हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने खिताब समाप्त किया जनाब कैसर रजा, जिनका मौजूद था दस्तूर हिंद में अकलियतों का हुकूक। हजरत आज इस महफिल में सरपरस्त इदारा हमदर्द को मिलत अली जनाब नसीब अहमद साहब की भी आमद आमद हुई। बड़ी खुशी की बात है, काफी दिनों बाद ये मौका नसीब हुआ। आप बैठे हुए आप देख रहे हैं झंडा मुल्क हिंदुस्तान का लगा हुआ। कसम खुदा की इस झंडे के लिए हमारे उलमाए किराम ने अपनी जानों को मैदान में शहीद किया। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत सारे लोग बैठे हुए, दोस्त बैठे हुए, हमारे भाई बैठे हुए, अराकीन बैठे हुए। एक शेर पढ़ता हूँ इस झंडे की शान में, अगर आपको अच्छा लगे तो वहीं से दादो तहसीन सलवार दीजिएगा। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे झंडे को सदा दिल में बसाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे झंडे को सदा दिल में बसाए रखना। हजरत बहुत तेजी के साथ, क्योंकि वक्त और मौसम दोनों चीजें कम है, वक्त कम है और मौसम खराब है। मैं चाहता हूँ इस वक्त मेरी फहरिस्त के कैदखाने में एक नाम है जिनका नाम इमरान रजा, जिनका मौजू इमाम अहमद रजा का इल्म मकाम, जिनका ताल्लुक है मदरसा अजीदुल उलूम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत महान मोहतरम मोहम्मद सरताज साहब से, जिनका मौजू है पड़ोसियों के हुकूक, जिनका ताल्लुक है दारुल निजामिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमाईन। अम्मा बाद, फऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अबुदुल्लाहा व ला तुशरिकु बिही शैय्यन व बिल वालिदैन इहसान व बिदिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सदकल्लाहु अलअलीउल अज़ीम, सदका रसूलुहु नबीउल मतीनुल करीम, व नहनु वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादी तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आदम के चाहने वालों, अहमद रज़ा के फ़िदाइयों, आइए सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, सुनहरी सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका अहमद मुस्तफ़ा की बारगाह रिसालत में गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारक व सल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी तकरीर का मौजू पड़ोसियों के हुकूक है। हुजूर आला हजरत क्या ही खूब फरमाते हैं, उस अते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, उस अते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे, और कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम ने इंसान की माशरत जिंदगी के लिए ऐसी रोशन तालीमात और सुनहरे वसूल मुकर फरमा रखी है, जिनको अदा करने के लिए इस्लाम के मजहब फितरी तौर पर ना उनको झुकला सकता है ना उनसे शर्म इख्तलाफ कर सकता है। इसलिए कि इस्लाम ने मुसलमानों के हुकूक की अदायगी का सबक नहीं दिया है, बल्कि इस्लाम ने रोशन तालीमात और सुनहरे वसूल मुकर को जवाब करो, अगर अमल तौर पर अगर आमद किया जाए तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि तमाम दुनिया आफत और सलामती का गहवारा बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में हमसायों के हुकूक की इतनी ज्यादा अहमियत बयान फरमाई है कि अपने हुकूक की अदायगी के लफ्ज कुराबतदारों तक पहुंच गए, जिनको अदा करना हर मर्द औरत पर लाजिम और करार पाया है। अल्लाह अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ भलाई करो, रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से, नजदीक के हमसाए अजनबी पड़ोसियों से और तमाम मुसाफिरों से जिनके तुम मालिक हो चुके हो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हर चीज से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, तो पड़ोसियों की मदद करिए, पड़ोसियों को खाना खिलाइए, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी पड़ोसी को खाना खिलाओगे वही गरीब रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला परवरदिगार आलम जिस तरीके से मुझे ये खाना खिलाया है कयामत तक इसके बच्चों को तुम रिज़्क़ अता फरमाना। माशाल्लाह माशाल्लाह।
صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ سرکار مدینہ تین مرتبہ فرمائے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، یعنی کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو، یعنی اپنے پڑوسیوں کو ستاتا اور ان کو تکلیف دیتا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے اور گالی گلوچ یعنی کہ جو اپنے کو ستاتا ہے نہیں جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پڑوسیوں سے بھرپور محبت کریے، تمام ہر چیز سے نوازا ہے تو ان کی مدد کیجیے۔ حضرت ایک حدیث پاک اور ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر مجھے درس دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گئے پڑوسیوں کو مالدان نہ بنا دیا جائے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت عباس بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ جو ہانڈی پکائے تو شوربہ زیادہ کر لے، یعنی اس میں سے کچھ حصہ پڑوسی کو بھی دے دے۔ اسلامیہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تو برادران ملت اسلامیہ غریبوں کی مدد کریے، یعنی کہ اللہ کے نبی اگر خوش ہو گئے تو یہاں بھی کامیابی ملے گی، کل میدان محشر بھی ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں، لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ، موبائل نمبر 9935055789۔